चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। इसमें डालते हैं आधा किलो खवा या मावा। मावा को हमने 2 मिनट भून लिया था। अभी इसमें डालते हैं पीठी शक्कर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मेल्ट हो गई है पीठी शक्कर इसमें। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो गया है। आउटर कवर बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा। इसमें डालेंगे नमक और घी। शुद्ध घी लिया है 2-3 चम्मच। आप शुद्ध घी डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लीजिए। इस तरह से हमारा आटा गूंथ के इस तरह से इसे दबा के इसे गूंथना है। हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह। थोड़ा सा हाथ में घी लेके इसे लगा दो और इसे 15-20 मिनट ढक के रख दो। अब हम इसमें 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाल के इसका पाक बना लेते हैं। अभी हमारा पाक ये रेडी है। इसमें डालते हैं इलायची पाउडर और गैस में बंद करती हूँ। इसे ठंडा होने देते हैं। इस तरह हमारा आटा हो जाना चाहिए। एक लोई लेके सूखे आटे में डाल के यहाँ पे सूखे आटे में डाल के इसे बेल लो। बहुत ज़्यादा मोटा बेलना नहीं है, पतला पतला बेलना है इस तरह से। अभी इस साँचे में हम थोड़ा मैदा लगा देंगे इस तरह से ताकि अंदर से ये चिपके ना, और इसमें ये रख देते हैं इस तरह। इसमें भरते हैं स्टफिंग हमारा मावा। अच्छे से भरना है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अब हम इसमें साइड में पानी लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाए इस तरह से। इस तरह से इसे दबा दीजिए और इसे तोड़ दीजिए। आराम आराम से करना ये काम। इस तरह से हमारा गुजिया रेडी है। अभी इसे हम इस तरह के गीला कपड़ा लेके इसे रख देंगे और एक 4-5 हम बना लेंगे और इसे ऐसे ढक के रख देंगे। इस तरह से हमारी गुजिया रेडी है। यहाँ पे कढ़ाई में हमने घी लिया है। इसे गरम करते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि करंजी फूट रही है तो तुरंत ही उसे निकाल दीजिए, नहीं तो पूरा घी खराब हो जाएगा। धीरे धीरे करके इसे पलट दीजिए। पहले अच्छे से नीचे से होने दीजिए। बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार है। इस तरह से हमारा पाक रेडी है। हम एक एक गुजिया इसमें डाल देते हैं और इसे पाक से कवर कर लेते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा।